तो गाइस एक बार फिर से खेल रहे हैं फार्मिंग सिमुलेटर 19। और यहाँ पर रात हो गई, मेरे को टॉर्च जलानी पड़ेगी। तो मेरे खेत में वीड आ गई है, अभी दिखाता हूँ मैं कैसी होती है वीड। ये देखो यहाँ पर भी बता रहा है 100% वीड हो गई है। और आज मेरे को अपना खेत भी ठीक करना है, और दूसरा काम करना है जो साइड वाली ज़मीन है ये वाली मैं लूँगा लोन पे। और एक साइलो लगाने वाला हूँ मैं, जिसमें हम सामान अपना इकट्ठा करके रख सकते हैं। तो सारी चीज़ें लोन पे लूँगा, 3 लाख के आसपास का लोन लूँगा। और मैंने देखा है मेरे 400-500 रुपये कटे थे। अभी मेरा लोन कितना है वैसे? ओके 70,000 लोन है, ठीक है। तो 70,000 लोन में 300-400 रुपये कटे थे, तो कर सकते यार, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसमें तो वीड हटाते हैं। मेरे को अपना ट्रैक्टर चाहिए, तो रात हो रही है, मेरे को लाइट जलानी पड़ेगी। ओके मैं अभी वेट नहीं कर सकता दिन का, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरी फसल में कुछ दिक्कत हो गई, अगर मैंने टाइम बढ़ा दिया दिन के लिए, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, मेरी फसल पूरी ख़राब होगी। ओके इसे कनेक्ट करते हैं। इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भरा हुआ है, पहले इसको निकालना पड़ेगा। मेरे को फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए अभी, वो जो साइड में रखे हुए ना हर्बिसाइड की दवाई, वो डालनी है मेरे को, और ये वाले डालनी है। एक मिनट इसको भरते हैं, देखेंगे अगर ये पूरे में आ गया तो। अरे यार इतनी सी है, मेरे को लानी पड़ सकती है। पहले इसको अनफोल्ड करते हैं, अगर ये लानी पड़ गई ना तो दिक्कत हो जाएगी। अभी तो देखे तो सही कहाँ तक जाएगी, वैसे ये बहुत ज़्यादा दूर तक जाती है मशीन। ओके यहाँ से डालनी है मुझे दवाई, यहाँ से थोड़ा सा पीछे कर लूँ, क्योंकि अब मेरा ही खेत है भाई, इसमें से वीड थोड़ी सी भी नहीं चाहिए मेरे को। मैं चाहे बाहर निकाल दूँ मशीन, कोई दिक्कत नहीं है, पर वीड नहीं चाहिए मेरे को थोड़ी सी भी। एक मिनट इसको तो पहले बंद करूँ F1 से। ओके थोड़ा दिखेगा तो सही। मेरे को क्या करना है, मेरे को B दबा के चालू कर देना और आगे बढ़ना है। तो इसमें से अपने आप ही दिखती चली जाएगी कि कहाँ से हट रही है वीड, कहाँ से नहीं। जो अजीब अजीब सी घासें हैं वो हटती चली जाएगी। और इसमें मैं हेल्पर लगा दूँ, ये देख रहे हो मेरा खेत छोड़ दिया इसने, ये तो दिक्कत करते है। देखो इस तरफ कितनी, इस तरफ वीड 100% है, और इस तरफ ये देखो 0% हो गई। और ये इधर का छोड़ रहा है ना कोना, मेरे को ये देखना पड़ेगा कितने कितने। ओ भाई ये तो कुछ नहीं, अभी कहाँ दिख रही है कोने, कोने हाँ अभी दिख रहे हैं। तो ये वीड है, ये कोना छोड़ता जा रहा है, बड़ा बेकार है यार ये भी। तो क्या करते हैं, पहले तो मैं लोन पे पैसे ले लूँ, किधर थे, इधर है, और लोन मेरे को यहाँ से लेना पड़ेगा। तो जो मेरा 70,000 है इसको 3 लाख करना है मेरे को, तो करते हैं इसको 3 लाख। 60, 70, 80, 85, 90, 3 लाख। ओके 3 लाख हो गया मेरे पास, अभी है 3,77,000 पैसे। और ये इतनी जल्दी जल्दी पैसे क्यों कट रहे हैं भाई? ओके अच्छा वो पैसे इसलिए कट रहे हो, फर्टिलाइज़र डाल रहा है ना। एक मिनट इसको मैं बंद करता हूँ। तो होता क्या है कि अगर हम हेल्पर चालू कर देते हैं तो ये ही फर्टिलाइज़र ख़रीदता रहता है, और बहुत जल्दी जल्दी ख़रीद रहा था भाई। सही में तो गलत है, मुझे लगा कि अच्छा काम करेगा, कोई नहीं समझ में आ गया कि कैसे काम करता है। तो ये वाली ज़मीन लेते हैं पहले, सामने वाली छोटी सी है, कौन सी थी, ये वाली लूँगा। और ये 1,80,000 की है, 81,000 की है, ठीक है। ये ज़मीन अभी हमारी हो गई। ओ भाई दो दो ज़मीनें हो गई, दो दो खेत हो गए, वो सामने वाला भी खेत हमारा है। तो यहाँ पर एक साइलो रखूँगा, और हमारा घर जो होगा वो यहाँ पर होएगा। साइलो रखने के लिए जगह देखनी पड़ेगी यार। और मेरे को एक साइलो लेने के लिए पैसे तो है ना, 1,95,000 है। ओके है पैसे, ये पैसे फिर से जल्दी कट रहे थे क्या? नहीं हेल्पर वैसे ही काट रहा है। पी दबाऊंगा, पी में जाएंगे यहाँ पर, ये रहा साइलो का ऑप्शन, इसमें जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे साइलो मिलेंगे, और सारे सामान रखने के लिए होते हैं, ये भी सामान रखने के लिए होते हैं। इनमें देखो नीचे बताया हुआ है क्या क्या रख सकते हैं, जैसे TMR रख सकते हैं, घास रख सकते हैं, वो बताता है। ये TMR वगैरह बाद में पता चलेगी है क्या, अभी नहीं। तो इसमें क्या रखते हैं, अच्छा इसमें हे रखते हैं, हाँ इसका मेरे को पता है, ये खुलता है और इसमें हे रखते हैं। और ये हमें चाहिए ये वाला साइलो, दो साइलो है, एक 1,80,000 का जिसमें 2 लाख का स्पेस है, और इसमें है 1,10,000 का। अभी कितने रुपए हमारे पास, 1,95,000 है। तो मैं 1 लाख वाला स्पेस ले लूँगा, 1 लाख वाले दो ले लूँगा ऐसे करके, ठीक है। यार फिर भी महंगे पड़ जाएंगे, पर मैं ऐसे दो ले लूँगा यार, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। इसको लेते हैं, इसको रखना पड़ेगा ना, मैंने जगह तो देखी नहीं, उधर रखना है ना। तो इसको इस तरीके से रखना है कि इसमें सामान भी भर सके और निकाल भी सके, इसलिए मैं इसको यहाँ रखूँगा। ये इतना सही रहेगा क्योंकि ये रोड से बाहर भी नहीं आएगा, बिल्कुल टच में रखूँगा इसको यहाँ पे ऐसे। ओके पैसे कट गए मेरे। और उसका क्या है, ये भाई बिल्कुल अलग ही लेवल का है ये बंदा।
अभी कितनी वीड कर दी इसने, देख रहे हो ये कोने कोने बचा दिए है, इनको भी करना पड़ेगा मेरे को। तो शायद से ही दवाई में काम चल जाएगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है चल जाएगा। अगर नहीं चला तो एक लेनी पड़ेगी मेरे को दवाई, ये हर्बिसाइड लेना पड़ता है बार बार। ऐसे अभी तक एक ही हर्बिसाइड चल रहा है मेरा, दो फसलों में, मेरा एक फसल में तो डल चुका है और एक ही दूसरी फसल में डल रहा है, और ये भी अभी होने वाला है। ओके, मेरा सारा कुछ ख़त्म हो गया, पूरे हर्बिसाइड ख़त्म, थोड़ा सा रह गया है यहाँ पर एक कोने में, ये ज़्यादा तो नहीं है पर कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा इतना। तो ये मैंने दवाई भी डाल दी, और मैं एक बार घर देख लूँ, क्या मैं घर ले सकता हूँ अभी? पैसे तो है मेरे पास, और थोड़े तो लोन पे ले सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं यार। 1,80,000 का घर है, अरे नहीं ले सकता भाई, बहुत महंगा है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जैसे मैं यहाँ पर एनिमल देख रहा था, यहाँ पर लिखा रहा है ना $20 पर डे, ये हमारी कमाई नहीं है, $20 पर डे है इसका खर्चा मेंटेनेंस का, इसमें से हमेशा कटेंगे $20 पर डे, ये मैं कमाई सोच रहा था। जैसे इसमें $45 पर डे कटेंगे, जो मैंने साइलो लिया हुआ है, तो घर भी लूँगा, घर में देखो कितने लगे, $150 पर डे कटा करेंगे। तो ये कमाई वमाई कुछ नहीं होती, ये पैसे कटने होते हैं हमारे। और मेरे को अभी 1 लाख रुपये चाहिए, 1 लाख रुपये होंगे तो फिर मैं कुछ कर पाऊँगा। तो अभी मेरे को अपनी वो मुर्गियाँ भी देखनी है, क्योंकि मुर्गियाँ भी देखी नहीं है, बस एक बार मैं इनको साइलों में भर देता हूँ। मेरे पास पोटैटो है ना थोड़े से, देखो तो सही पोटैटो आ जाएंगे कि भी नहीं, मैंने देखा तो है नहीं कि पोटैटो रख सकते भी है कि नहीं। एक मिनट मैं देख तो लूँ पोटैटो रख सकते है कि नहीं, पोटैटो नहीं रख सकते यार इसमें। ओके, पोटैटो के लिए कुछ है नहीं है, ऐसे ही फेंक दो पोटैटो को, क्या हम ऐसे ही फेंक सकते हैं? नहीं भाई ऐसे नहीं फेंक सकते इसको, और ये पोटैटो मेरे को बेच के आने पड़ेंगे, खाली करने पड़ेंगे। मैं टाइम बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि मैं ये खेत मेरा बड़ा हो जाए, और अभी इसमें वीड नहीं है, और मेरे थोड़े से अंडे आ जाए, फिर मैं बताऊँगा आपको कि अंडे कैसे रखने हैं, मतलब कि बेचने कैसे हैं और इनकी सफाई कैसे करनी है। ये देखो यहाँ पर ये ऐसे कर देते, जो भी खाना खाते हैं तो थोड़ा बहुत बाहर निकल जाता है, ये देखो यहाँ पर भी बाहर निकल गया है, तो ये मेरे को वापस इसके अंदर डालना पड़ेगा। तो करते हैं थोड़ा सा टाइम वाइम, मेरे को 120 गुना करना पड़ेगा, मेरे को टोटल ले जाना पड़ेगा इसको दोपहर के 12 बजे तक, तभी कुछ हो पाएगा। तो अगर आप चाहते हो वो जो कचरा वचरा उसको उठाना चाहते हो, तो आपके पास बहुत सारे तरीके भी होते हैं, लेकिन जो एक सिंपल तरीका होता है वो आपका ट्रैक्टर करता है। आपके ट्रैक्टर में फ्रंट लोडर होना चाहिए, जब भी आप ट्रैक्टर खरीदते हो ना, मैं दिखाता हूँ, जैसे मीडियम ट्रैक्टर खरीदते हो, मैंने ये लिया, तो इसमें देखो फ्रंट लोडर का होगा, नोका यहाँ सामने से चेंज होता है, ये देखो थोड़ा सा चेंज होता है, तो ये फ्रंट लोडर होता है। अगर मैं लगा के रखा हुआ है तो अच्छी बात है, हाँ लगा हुआ है मेरे में फ्रंट लोडर। तो क्या करना है, मेरे को एक फ्रंट लोडर लेना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा शॉप में, और शॉप में इसके अंदर यहाँ पर फ्रंट लोडर होगा ये रहा, तो फ्रंट लोडर लेना पड़ेगा एक, कौन सा ले यार, ये ले ले कि ये ले ले, अच्छा ये फ़र्क है, तो ये लेंगे फिर 8,000 वाला, ठीक है, थोड़ा मजबूत तो रहेगा ना, ज़्यादा चीज़ें उठा पाएगा, तो वाइट रेड लेंगे तो। ओके, मेरा जो ट्रैक्टर है वो इस रेड का है, ये वाला रेड है, तो क्या करना है इसको ख़रीदना है, ये आ गया हमारी लिस्ट में, और मेरी फसल हो गई अभी तो नहीं होगी। तो उसके साथ मुझे एक ट्रॉली भी चाहिए होगी, फ्रंट लोडर तो मैंने ले लिया, अभी फ्रंट लोडर लगा सकता हूँ, बस मेरे को एक ट्रॉली चाहिए। तो एक यहाँ पर भी होता है, फ्रंट लोडर में भी होता है, ये रहा देखो फ्रंट लोडर में भी है, यूनिवर्सल बकेट, इसमें हर तरह की चीज़ें रख सकते हैं 940 लीटर तक, तो मैं यहीं से ले लूँगा यूनिवर्सल बकेट, कहाँ गई वो, 1400 रुपये की ये बकेट थी। इसका स्पेस तो बताया हुआ है 940, और अगर यहाँ से ले, इसका स्पेस बताया हुआ 2600, मैं इसको लीज पे लेके देख लेता हूँ यार, 142 रुपये कटेंगे, क्या पता अगर ये ना लगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर। ये फ्रंट लोडर, फ्रंट लोडर आ गया, और इसको चलाने के लिए, अरे इससे नहीं चलता, पहले मैं इसको कनेक्ट तो करूँ, उसके बाद फिर देखूँगा इसके कंट्रोल, नहीं होगा करेक्ट। ओके, तो ये हमारे लिए नहीं है, सही है, मैंने चेक कर लिया पहले, इसको क्या करते हैं, अरे गैरेज में जाना पड़ेगा मेरे को, लीज आइटम, इसको वापस दो, ये शॉवल चलता नहीं है सही में, इसके लिए फिर मेरे को दूसरी चीज़ लेनी होती होगी, मैं देखूंगा इसके बारे में। तो मेरे को फ्रंट लोडर में जाना है, ये ट्रॉली उठानी है, यूनिवर्सल बकेट्स, और इसको ख़रीद लेना है। इसका कलर मैं वाइट करूँगा, वाइट मस्त लगेगा। ओके, किधर है ये रही, देखते हैं अभी लगा के, लग जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं लगी तो दिक्कत। ओके, ये लग जाएगी, तो ये हमारी ट्रॉली जो कि लग गई है, और मेरे को कंट्रोल देखने के लिए जी दबाना पड़ेगा पहले, अरे किसके कंट्रोल है भाई। ओके, एन से, अच्छा एन से नीचे हो रही है, और जे से ऊपर, ठीक है,
कंट्रोल तो दिए नहीं है, एन से नीचे, जे से ऊपर, और इससे ये होता है, और एक्स से ये। ओके, एक्स से ऊपर और एम से नीचे और ये। अरे यार इस गाड़ी वाले को भी निकल ले भाई, ले दे दिया तेरे को रास्ता। चलो इसका यूज़ बताता हूँ क्या करना है। ये बड़े काम की चीज़ है, इससे हम हे भी उठा सकते हैं, घास भी उठा सकते हैं, सब कुछ उठा सकते हैं एक तरीके से, उठा के दूसरी साइड रख सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा, अरे पीछे पीछे हो जा भाई। तो पहले इसको नीचे करना है, ये एन से नीचे करना है। ओके, अरे ज़्यादा नहीं करना, जैसे थोड़ा ऊपर। ओके, अभी मेरे को थोड़ा आगे चलना पड़ेगा ऐसे करके। अरे मैंने इसको तो नीचे किया ही नहीं, इसको चलाना सही में थोड़ा सा अजीब है। ये देखो, ये थोड़ा सा ना टच में होना चाहिए। अरे थोड़ा सा ऐसे टच में, अभी भर सकता है। हाँ देख रहे हो, भर रहा है ना, तो ऐसे भरना है और इसको ऊपर कर लेना है। की दबाना था, हाँ। अगर ऊपर नहीं करोगे तो बिखर भी सकता है, कभी कभी ढलान आती है वहाँ से गिर भी सकता है। और इसको भी ऊपर कर लेना है मेरे को। तो जो इन्होंने गेहूँ फैला दिए थे वो उठाने हैं, और यहाँ जाके मुझे एन दबा देना है। नहीं एन नहीं, मेरे को इसको ये दबाना है। ओके आ गए वापस। तो ये करनी होती है बस, ये चलाने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा मेरे को यार, इसके कंट्रोल चेंज करने पड़ेंगे, ये तो सही में बहुत मुश्किल है चलाना। तो इस ट्रॉली को हमेशा ऊपर करके रखो। अरे ऊपर हो जा। ओके, इससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। और ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर कर दी मैंने यार, इसको नीचे रखना पड़ेगा मेरे को, निकालना ही पड़ेगा। तो निकालने के लिए क्यों दबाना है? अरे यार इसको नहीं दबाना, पहले जी दबाओ। अब एक मिनट, अब क्या यार। ओके पहले इसको नीचे करना पड़ेगा। ओके अब हुआ है, बिल्कुल नीचे रखना होता है तभी होता है। तो ये हमने सफाई कर दी, अभी बचे हमारे पास ये अंडे, जो कि देखो ये रहे अंडे। तो इनको बेचना होता है, आप चाहो तो इनको हाथ से भी उठा सकते हो डब्बों को ऐसे करके, और कहीं भी ले जा सकते हो। पर इसके लिए आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए, गाड़ी वाड़ी, जिसमें आप रख के ले जा सको। मेरी जो ये, इसमें भी ले जा सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेन दिक्कत है कि इसमें सामान है यार। अरे आलू मैंने अभी तक बेचे भी नहीं है। मैं पहले एक काम करता हूँ, ये आलू बेच के आता हूँ। तो एक चीज़ और है कि अगर आप रिपेयर करना चाहते हो अपनी गाड़ियों को, ये देख रहे हो रिपेयरिंग का जो ग्रीन ग्रीन आ रहा है, रिपेयर कर, वो सामने ग्रीन नहीं, जो ये इस तरफ आ रहा है ग्रीन। तो अगर आप रिपेयर करना चाहते हो तो सिंपल है, आप पी दबाओगे तो आपको गैरेज में जाना है अपने, और ये तो लीज आइटम है, मेरे को अपने आइटम पे जाना है। तो यहाँ पर देखो रिपेयर का ऑप्शन दे रखा है, रिपेयर करना है इसको। ये रिपेयर तो होने ही नहीं है इसको, ये तो सही है ठीक है। इनको भी रिपेयर करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमारे पास, अरे कुछ है नहीं ढंग का। ओके इनकी तो ज़रूरत है नहीं रिपेयर की, तो रिपेयर करने की भी ज़रूरत होती है। जैसे ये है, इस गाड़ी को मैं रिपेयर कर दूँगा, 694 रुपये लगेंगे। अभी देखो रिपेयर हो गई, ठीक है, ऐसे हम रिपेयर कर सकते हैं। अब इससे कुछ तो प्रॉफिट होएगा, ज़्यादा तो नहीं होगा मुझे पता है, पर ठीक है। आलू जैसे, आलू का रेट वैसे होता ही नहीं है कुछ, देखे तो सही कितने मिलेंगे। फिर भी 5400 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरे पास फ्रंट लोडर आ गए ना, मैं ये ट्रांसपोर्टिंग के भी ले सकता हूँ। मेरे को फ्रंट लोडर में जाना पड़ेगा, यहाँ पे जाते ये लेना पड़ेगा मुझे पैलेट फोक, ठीक है, ये पैलेट फोक लेना पड़ेगा। और या तो मैं बेल स्पाइक भी ले सकता हूँ, इन दोनों से उड़ जाते हैं। नहीं बेल स्पाइक में थोड़ी दिक्कत कर देता है, इससे बेल उठा सकते हैं बड़ी आसानी से, और इससे तो हम जो उठाना वो उठा ही सकते हैं। और ये क्या है, बेल हैंडलर। ओके ये भी बेल के लिए, ये रोल टाइप बेल के लिए है, रोल वाली बेल उठाने के लिए। सारे अलग अलग बना रखे हैं अलग अलग काम के लिए। तो मैं इस ट्रॉली में लेके जाऊँगा, क्योंकि हाथ से तो उठा ही सकते हैं, ये देखो ऐसे उठा सकते हैं। अगर मैं इसमें कूद पाया तो मैं इसमें रख दूँगा। ओके छोड़ दो इसको, उसमें चलते इनको बेच के आते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रॉली है, इसके लिए मेरे को एक गाड़ी लेनी पड़ती अगर मेरे पास पैसे होते तो। और गाड़ी का मेरे को कार में जाना पड़ता, मेरे को ये इन दोनों में से एक लेना पड़ता। ये देख रहे हो इसमें छोटा सा स्पेस होता है, यहाँ पे रख के ले जाते हैं सामान वामान। गाड़ी की तो ज़रूरत है नहीं हमारे पास, खुद तो रहने के लिए घर है नहीं, गाड़ी ले लेंगे फालतू में। ऐसे कुछ ज़्यादा ही गाड़ी ले रखी हमने अभी भी। तो मेरे को जाना है इसमें, इसमें अंडे का ऑप्शन होगा, ये रहा अंडे। तो यहाँ ओ 3000 के अंडे भाई, इसको बेच के आते हैं। ये है ना, हाँ पोर्ट साउथ ईस्ट में जाना है। तो अंडे के लिए कोई स्पेसिफिक दुकान नहीं होती है, वो कहीं पे भी बिक जाते हैं, जैसे हम मीट वगैरह बेचते हैं वैसे ही अंडे बेचते हैं। और ये दो पैकेट ले जा रहा हूँ मैं, दो पैकेट के लिए पूरे के पूरे मैं ट्रैक्टर ट्रोली ले जा रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास गाड़ी वाड़ी नहीं है यार।
तो ज़्यादातर अगर हम गाड़ी ले जाते हैं तो इसके ऊपर हम गाड़ी लाते हैं ना, तो ये अपने आप ही अंडे चले जाते हैं। पर इसका देखते हैं जाते हैं कि नहीं, चले जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं गए कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास दूसरा तरीका भी है। इसको यहाँ खड़ा करो, उतरो, अरे ये उठाओ पैकेट, उठा लिया ना यार, उठा लिया कर। तो ये ऐसे करने हैं, ये देखो चले गए, 400 रुपये का एक पैकेट है। ओके 500 का, ओ भाई ये ऐसे क्यों है, अच्छा उसमें अंडे कम होंगे ना। तो ये था तरीका अंडे बेचने का, और मैंने 1000 तक शायद से इतने कमा लिए, थोड़े से कम है पर 1000 के आसपास ही कमा लिए। ये देखो मेरे पैसे, लोन के इतने रुपए कटे हैं और व्हीकल लीजिंग कॉस्ट इतने रुपए कटी है, प्रॉपर्टी मेंटेनेंस इतने, ठीक है ये पैसे कटेंगे मेरे हर रोज़। और यहाँ पर कितने डब्बे आए, 2 डब्बे आ गए, ओके। और ये मुर्गियाँ सो रही है कि बैठी हुई है सिर्फ। तो भाई मेरा खेत बड़ा हो गया और ये भी बड़े हो गए, और वहाँ पर भी मेरे को लग रहा है कि वहाँ पर भी फसल उग रही है, पर देखो तो सही, मेरे को लग तो रहा है कि फसल उग रही है। ओके फसल उग रही है बिना प्लोइंग के, ये क्या है, वीटी है हाँ, लेकिन देख रहे हो इसमें गैप कितना है। तो ये गैप इसलिए है क्योंकि वो भाई इसमें वीड भी है, तो ये खेत मेरे ख्याल से बेकार जाने वाला है, क्योंकि ये खेत को मुझे वापस से तैयार करना पड़ेगा शुरू से। तो एक मिनट मेरे को हार्वेस्टर में आने दो अपने, और इसको चालू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं बताता हूँ साइलो का यूज़ क्या है। मेरे पास फसल आ गई ना थोड़ी सी 5000 के आसपास वीट, तो उसमें 1 लाख तक की कैपेसिटी है और मेरे पास 5000 है, और अभी मेरे को बस इसके पास जाना है। ये देखो जो रखने का है ना, जहाँ पर हम सामान डालते हैं, इसके पास जाना है, और यहाँ पर अपने आप ही आई का बटन आ जाएगा, तो आई दबाना है और मेरी फसल अंदर चली जाएगी इसके। तो अभी बात आते हैं निकाले कैसे। तो देखो दूसरी तरफ ये पाइप दिया हुआ ना, इस पाइप के पास आना है, अपने ट्रॉली को लाना है। अरे एक मिनट, इसको नीचे लाना होता है, जैसे ही नीचे लाएंगे आर का बटन आ जाएगा, तो आर दबाएंगे तो ये बता देगा कि हमारे पास वीट कितना है, पार्ले कितने हैं, ओट कितना है, सब कुछ बताता है, जो भी चीज़ रख सकता है। तो वीट है, वीट करते स्टार्ट, और आर से ही रुकेगा, आर दबा देंगे रुक जाएगा। 2000 के आसपास वीट निकाल लिया, तो इसको तो डाल के आऊँगा मैं अपने चिकन्स में। तो इस तरीके से हम सामान को स्टोर रख सकते हैं। अब मेरी जो कटरी है ना सोयाबीन, इसको भी इसी में रख सकता हूँ मैं, और जब चाहूँ उनको निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं तो भाई बेचूँगा, बेचने में फ़ायदा है। और ये इन्होंने फिर से बाहर निकाल दिया अपने गेहूँ, कोई नहीं इनको तो रख देंगे बाद में, पहले इसको भरते हैं। तो इनके ये फुल होना चाहिए, हमेशा फुल रहेगा तो अच्छी बात है, वो हमारा ही फ़ायदा रहेगा, क्योंकि मुर्गी मरेगी नहीं, अगर ये मरेगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये था साइलो, मैंने साइलो भी यूज़ कर लिया है और मेरी फसल भी कट रही है। अभी इसमें देख लेता हूँ बस मैं किस किस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, देख रहे हो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं दूसरी फसल एक बार में दोबारा से उगा सकता हूँ। तो अभी मेरे को बस फसल काटनी है ऑफलाइन, और फसल को बेच के आना है। फसल वैसे मैं आपके सामने बेचूंगा, मैं इकट्ठा करके रख लूँगा, क्योंकि मेरे को दिखाना भी तो है ना कितने रुपए मिले हैं। तो ये चीज़ें मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। और आज का हमारा काम हो गया, थोड़े लोन पे पैसे लिए, कोई दिक्कत नहीं है, दे देंगे यार। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई थी और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आज के लिए बस इतना, मिलते हैं लेने के एपिसोड में।